भाई रेस्ट ले रहे थे बिल्कुल भी, कोई आओ तो अपने रिस्क को आना, हड्डी बड़ी मेरी, और आओ तो जब ऑफ सीजन हो रेस्ट हो तब तो भी घूम आना, क्योंकि उसमें रेस्ट ना मिला। वर्कआउट आए बहुत मजा आया। तो भाई कैसे लगा वर्कआउट करके? यमराज जी कराऊंगे अंकल जी फिर आ जाना किसी दिन, आज होटल सब। और जैसे मैं सामने से मेरे साथ भी हुआ है ऐसा जो भाई बता रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे मैंने देखा है, ये देखा है मैंने। नहीं मेरे साथ भी हुआ जैसे टाइगर भाई, नहीं वो है कि मेरा ना टाइगर भाई से बहुत अच्छा रिश्ता, मतलब बड़े भाई के साथ मेरा पहले मैं उनसे ऐसा गुरु मिला था, बट आज की डेट में ऐसे मेरी कोई बात नहीं काटते और मैं उनकी, तो हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बना पड़ा है। मेरा मेन नहीं होता कि मैं वहाँ पे जिम जाऊंगा तो वर्कआउट करूँ, उनको पता है कि नितिन अगर जिम में है तो वर्कआउट जब कर रहा है तो अच्छा करेगा, डाइट भी अच्छी सही बात। और वहाँ पे कुछ तो राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब? मैं आपका अपना भाई नितिन चंदीला एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पे नितिन चंदीला। तो भाई जैसा कि हमने अपनी लास्ट दो वीडियो डाली थी, एक युधिर भाई के साथ और एक मुकेश सर के साथ, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आगे जितने जितने अच्छे एथलीट्स हैं उनसे मिलेंगे, बहुत सी बातें करेंगे और सबके साथ बातों से ज्यादा वर्कआउट सेशन करेंगे जो एथलीट्स हैं और जो अच्छे खासे दिखने में ठीक ठाक लगते हैं उसके साथ। तो थंबनेल देख के आप समझ गए कि आज का वर्कआउट हमारे भाई राजवीर सिसोदिया के साथ होने वाला है, वो आने वाले हैं अभी, तो जैसे वो आएंगे तो साथ में वर्कआउट सेशन करेंगे, शायद या तो चेस्ट करेंगे या आर्म्स करेंगे या बैक, तो कुछ भी करेंगे जो भाई बोलेंगे। लेग्स नहीं करूँगा क्योंकि घुटने में दर्द है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब चल रही है घुटने की। और जितने मेरे भाई मेरे से क्वेश्चन करते थे सारे कि भाई आइसो प्रोटीन है जो हमारा डॉक्टर चॉइस का था कि भाई वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जो हम तैयारी नहीं करते थे उनके लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बताएं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ आ चुकी है जो हमारी टीम ने लॉन्च करी है, वो ये है। अभी आप लोगों के लिए हमारा वे प्रोटीन आ चुका है, वे 3-way फ्यूजन, तो ये प्रोटीन आप लोगों के लिए आ चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो टेस्ट की तरफ से आप टेंशन फ्री रहें। और इसका 3-fusion का मतलब क्या है कि फ्यूजन ऑफ वे हाइड्रोलाइज, वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट, तो सारी चीज़ इसमें आपको मिल रही है। उसी के साथ साथ इसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन भी मिल रहा है, तो और सबसे बढ़िया कि आपके बजट में भी है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं नीचे इसका लिंक डालूंगा। और सबसे अच्छी बात, जितने मेरे भाई मुझे बोलते थे डाइट के लिए कि भाई डाइट का डाइट चार्ट बनाओ, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो और यूट्यूब पे भी कि भाई डाइट बताओ, तो इसके ऊपर ये तो भी प्रोटीन मैंने अपने लिए मंगाया, इसका छोटा वाला डब्बा आ चुका था तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। देन उसके बाद ये बड़ा डब्बा, इस पर एक स्कैनर भी है, तो इस पर एक स्कैनर कोड आएगा, कोई भी मेरे जितने भाई है रैंडम 100 बंदों को हमारी तरफ से डाइट चार्ट मिलेगा। अगर आप डाइट चार्ट किसी कोच से लेते हो या मुझसे भी लेते हो तो मैं 8-10 हज़ार रुपये चार्ज करता हूँ एक डाइट चार्ट के एक महीने के, तो आपको फ्री मिलेगा, तो ट्राई करना, नीचे इसका लिंक होगा, ठीक है जी। और उसी के साथ साथ एक जबरदस्त शेकर भी आया अपना, तो शेकर भी आपको फ्री मिलेगा। तो राजवीर भाई आ चुके हैं नीचे, उन्हें लेके आते हैं अभी ऊपर, चलो डब्बे भी बोल देते हैं राजवीर जी, यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको मैं जिम बैग दिखाता हूँ, कोई नहीं दिखाता होगा, मैं दिखाता सारा आप देखना। आइसो जो यूज कर रहे थे ये तो हमारा फेवरेट है, प्री वर्कआउट डॉक्टर चॉइस का ही है, और क्रिएटिन किसी दूसरी कंपनी का, क्योंकि हमारे डीसी का है नहीं, डीसी में क्रिएटिन नहीं है, और ये रहा एक पीडब्ल्यू, पर हम कोशिश करेंगे जल्दी से डीसी अपना क्रिएटिन की लॉन्च करें, ठीक है। तो सारा सामान जो खाते हैं वही आप लोगों को बताते हैं, वही देख देते हैं थोड़ा इंडिया की शान के लिए, क्या मेडल वाली लाइन, मेडल जीते हैं कुछ तो एक्नॉलेज करें। तो भाई नितिन भाई बहुत लंबा ट्रैवल करके आए गए, इनको पता लगा कि राजवीर जो इनका भाई है छोटा, मैं बड़ा हूँ वैसे तो, सोनीपत गया हूँ, सोनीपत गया हूँ, वहाँ से भागे भागे आए मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और भैया हमारे इंडिया की शान, आन बान शान, इतने सारे मेडल बोल रहे हैं, पीछे से बोला यार बोलो तो बोलते नहीं, मैंने अपने वीडियो में बोल दिया पहले, मुझे लगा मेडल वाली पता नहीं कौन सी बात कर रहा है, नहीं। तो भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत हमें सौभाग्य है हमारा, नितिन भाई के साथ ट्रेन करने का मौका मिला है, अभी तो मैं ऑफ चल रहा हूँ से, तो उसमें देखो मेरी दोनों भाई एक और मैं भी करूंगा, और जहाँ भाई वर्कआउट करेंगे मैं भी वर्कआउट करने जाने वाला हूँ, तो बहुत कुछ दोनों का देखने को मिलेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन में अपना कितनी ट्रांसफॉर्मेशन डेट तो क्या बताऊँ, बट जो भी नेक्स्ट वीक आएगा जिससे मूड सेट बना, जिस दिन मेरी 6 महीने से होगी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी ऐसा हो रहा है सुबह उठो, सुबह की 4 मील अच्छी लो, 2 मील गड़बड़, हाँ मेरी तो सुबह से लेकर रात तक की गड़बड़ी मील है, और मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करने कोई मूड नहीं है, लेकिन गर्मी आ गई है तो अभी पेट छुप नहीं पाएगा, अभी तक तो जैकेट में है ना, अपर में छुप रहा था, तो अब मजबूरी हो गई, तो कॉम्पिटिशन उसके लिए करना पड़ेगा ना, तुम्हारी रोड तो ना होनी है, हमारा थोड़ा बहुत हो जाए कोई बहुत है, तो आप चले सोच लिया क्या मैं लोड कर पाऊंगे,
मैंने वही तो ओल्ड मैन तीन बताए थे, बैक चेस्ट और आर्म्स। बैक और आर्म्स करेंगे, बैक और आर्म्स या चेस्ट ही करोगे, कुछ भी करवा दो जो आपका मन करे। क्योंकि हम तो हमारा तो अभी तक आजकल ये चल रहा है कि हम किसी भी जिम में घुस जाते हैं, कभी गुरुजी के पास, कभी टाइगर भाई के पास, आज इंडियन भाई। और हिम्मत अपनी जिम में पड़ती है। हाँ। और जल्दी से किसी जिम में जाते हैं और किसी के लगाने के उनको भय होता है कि हमारे जिम के मेंबर खा जाएंगे। हाँ। तो कहीं भी घुस जाओ और जो कोई कर रहा हो उसके साथ फ्लो में वर्कआउट कर लो, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन बिल्कुल भी है नहीं अभी। ना तो कोई बेइज्जती कर रहा, ना कोई गंदे गंदे कमेंट कर रहा, नीचे मोटे और माल निकल गया ये वो, तो कुछ वो पढ़ते ना नेगेटिविटी देखते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं आज भाई के साथ वर्कआउट करूंगा और भाई से पूछेंगे वर्कआउट करके कैसा लगा, और अगर अच्छा लगेगा तो फिर साथ ही वर्कआउट करेंगे। ठीक है जी, डन चलो। हाँ टाइगर भाई के कर सकते हो। हाँ और क्या, नहीं भाई बोल रहे थे मुझे, मैं जिम पे आता रहा ना, तो उन्होंने बोला भाई आ रहा है जिम पे, थोड़ा ध्यान दे। मैं पिछले एशिया की तैयारी से मैं भाई के पास 7 या 8 बार गया, मतलब पिछले मई से, और 7 या 8 बार, 2 बार तो आप मिले। हाँ। और ऐसे मिलना मिलाना होता है, ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे। हाँ। मुझे देखते हो रहा है यार क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या किसकी बात कर रहे हो, सबकी सबकी ना, तुम्हें चांद आएगा वो मैं पहचान पा रहा हूँ, दिमाग नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जैसे ही मैं बैठूंगा तो जब ऐसे रहूंगा, और जैसे मैं सामने से, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, जो भाई बता रहा है ऐसे बिल्कुल ऐसे मैंने देखा है, ये देखा है मैंने, नहीं मेरे साथ भी हुआ जैसे टाइगर भाई, मेरा मेन हुआ है कि मेरा ना टाइगर भाई से बहुत अच्छा रिश्ता, मतलब बड़े भाई जैसा, मेरा पहले मैं उनसे ऐसा गुरु मिला था, बट आज की डेट में ऐसे मेरी कोई बात नहीं काटता और मैं उनकी, तो हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बना पड़ा है। मेरा मेन ये होता है कि मैं वहाँ पे जिम जाऊंगा तो वर्कआउट करूंगा, उनको पता है कि नितिन अगर आपके जिम में है तो वर्कआउट जब कर रहा है तो अच्छा करेगा और डाइट भी अच्छी, सही बात। और वहाँ पे कुछ बंदे ऐसे आते हैं कि बटर लगाना है, बटर लगाना है कि देखो भाई कहना नहीं चाहिए हमारे जिम, जैसे अब राजीव भाई ने ज्वाइन कराई दो बारे गए हैं, तो पब्लिक को पता होती है राजीव जिम आ रहा है, तो राजीव भाई को देख लेंगे, तो वो वाले बंदे आते हैं, तो मुझे देख के भी ना, जैसे मैं गया हूं कई बार जिम में टाइगर भाई, मैं सच में मैं तो वैसे वो नॉर्मल घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरे बगल में आएंगे ना एकदम ऐसे हो जाएंगे, यूट्यूबर है कि तू कितना भी फेमस हो हमसे ज्यादा बॉडी थोड़ी है, मेन अर्बन बॉडी का नेचर, मेन नेचर का होगा, ये आपका नेचर अच्छा होना चाहिए और आपका स्वभाव किस से सामने मिल रहा हो, और टाइगर भाई मना नहीं करते किसी को, टाइगर भाई तो बहुत स्वीट आदमी है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी के जिम में भी जाता हूं मैं, पास टाइगर भाई का पड़ जाता है तो कभी, तो मैंने उनसे टाइगर भाई से पूछा, मैंने कहा टाइगर भाई वो फीस तो बता दो, स्कूटी में मार के सेल्फ भाग गए, कह रहे पागल है सर, पागल है क्या। और आज तक मैं भी बताऊं, मुझे भाई के पास हो गए 2017 में गया था मैं, आज के तक 23 चल रहा है, ना उन्होंने मेरे से पीटी के पैसे लिए, अच्छा, ना मेरे से जिम की फीस डे वन से, और जितना सामान कुछ होता जैसे कोई भी अपना लेना मैं ले लेता हूँ, उसके भी पैसे लिए, ये उनकी भाई पीट पे ऑन कैमरे में बता रहा हूँ, सही बात, ट्रेनिंग पैशन है उनका, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे हमसे अलग क्या है, सब हो गया आदमी भाई हो गए, उन्हें पता है कि कौन हमारे लिए क्या है, सही बात, मेरे से भी ना लिए, दो चीज मुझे भी दी दो चीज मंगाई, मैंने कहा भाई ये मुझे ला दो क्योंकि मैं बाहर से लेता हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, दो तीन ला के थी कि हो जाएगा कुछ नहीं होगा, तो फिर मैंने वहां तो पूछना भूल गया, मैंने फिर मैसेज करा कहू अरे यार लोग देखो दिखा देता हूँ, जब बात हो ही रही है पीठ पीछे बात हो ही रही है तो दिखाई देता हूँ, तो ये देखो अरे यार पर इसमें जो मंगाया था उसका हाथ रख लो ना फिलहाल, हाँ देखो ये रहा फिलहाल इनके, तो बता दो मैंने कुछ सामान मंगवाया था, मैं पेटीएम कर देता, करे कोई नहीं कर लेंगे, और वो आज तक रेट ही ना बताए, बताओ इनका नेचर सच का मैसेज देख लो, ये रहा 11 फरवरी का, आज 26 हो रही है, इतने दिन से मुझे रेट नहीं बताया कि जो सामान मंगाया उसका रेट क्या था, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूबर को कराते हैं, अगर कोई अच्छा भी कर रहा है ना, एथलीट अच्छा होना चाहिए बस, जैसे कि बंदा मेहनती होना चाहिए, हाँ बस सही बात, कि दिल से करता है, हम जाने वो भी कोई कम थोड़ी है, पब्लिक उन्हें जानती है, अच्छे से जानती है, पब्लिक उन्हें हमसे पहले से जानती है, हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, हमसे पहले के लोग करने आ गए, हम आ गए फुकेट में क्लब में गए हम भी, की लास्ट दिन है भाई का मेडल आ गया, क्लब चले जाते हैं, हम नाच रहे वहाँ टाइगर भाई का एक बंदा आ गया पैर चुने क्लब में फुकेट में, और बंदा कहाँ से था, पाकिस्तान से, और बंदा क्या था, पाकिस्तान से था, तो उनके अंदर वो वाली चीज भी नहीं है कि मैं ये हूँ वो हूँ या मैं इतने सारे लोगों का गुरु हूँ, तो वो वाला एटीट्यूड भी नहीं है, और बहुत सी चीज, चलो चलो वॉशरूम वॉशरूम एक माइक बाहर है क्या,
अरे ये लगा लो ना, कोई बात नहीं, इतना आने दे बस, इनकी क्लियर आनी चाहिए। हम करेंगे अब नितिन भाई, मैं तो आया था बैक करने, लेकिन नितिन भाई ने कल ही बैक करी है, तो चेस्ट करेंगे। तीन दिन हो गए, तीन दिन हो गए तो हम ही तोड़ लेंगे अपनी मसल दोबारा, क्योंकि इतनी हार्ड वर्क करी हुई है। आ गए चेस्ट से, क्या करोगे भाई साहब, क्या बैक जितने हो सके फुल ले, दोनों को ले। तो स्टार्ट करेंगे भाइयों, पहले अपना फ्लैट बेंच से, फ्लैट बेंच प्रेस लगेंगे पहले इसके चार साइड। चलो नॉन स्टॉप वर्कआउट चल रहा, जब भी तो मैं कहूँ इतनी बड़ी बॉडी कैसे बन रही है लोगों की, नहीं आ जाता है मेरी रेस्ट की नहीं है, रेस्ट नहीं करता मैं, मतलब बहुत, अगर मैं रेस्ट कर लूँगा ना मेरी बॉडी ठंडी ऐसे गंदी आवेट डाली पड़ेगी। 30 से 35 मिनट में 6 एक्सरसाइज करनी है, 6 से 7, 4-4 सेट, 4-4 सेट मज़े उसी में, हाइट लॉस होता है, रुको बात करो स्टोरी बनाओ। चलो अगली बार मैं घर पर वर्कआउट करूँगा ना जब, तो ट्राई करूँगा मैं भी ऐसे ही करूँ, आधे घंटे में 6 वर्कआउट, 4-4 सेट लगा ना, 8 मांगेंगे सुशील को, अपना स्प्रिंट लेगा, हाथ लगा दें थोड़ा सा। चलो 1-2-3 अप, चलो 1 हल्का है ही नहीं, कुछ हल्का है ही नहीं, 3 4 चलो 3 अप, 6 लास्ट वन, सारा तो आपने कुछ खाई नहीं, 15 ले 15। अब अपनी दूसरी एक्सरसाइज है केबल क्रॉस, तो फ्लैट बेंच के 4 सेट कंप्लीट हुए, 4 सेट कंप्लीट हुए, चलो थोड़े से क्लोज हो, जैसे हमारे गुरु जी हैं, मैं सीख लो तुम भी काम की चीज़ है, तो जो गुरु जी है वो ये करवाते हैं हमें ऐसे, चेस्ट अप रखो और ये पूरा हमें टाइट करना है, तो हो गया मेरी बॉडी एक जगह हो रहा है, जो आपने गुरु जी बताया भाई हमारे वो ये कराते हैं, जैसे हम पोज मारते हैं, आप तो कर रहे थे आप ये कर रहे थे,
मेन आपकी जो लेग्स है वो फ्री रहे और शोल्डर्स इनसे आप खींचो। अगर बॉडी आगे बढ़ जाएगी ना तो फिर आपकी लेग्स भी वेट उठाएगी। तो इसमें ये कि सिर्फ चेस्ट पे लोड आ रहा था, तो मैं नितिन भाई वाले उससे करके देख रहा हूँ। पूरे सीधे हो गए आठ नौ दस पाँच चार तीन दो एक आया। मैं कभी जहाँ से जो सीखो वो ज़्यादा भी बनता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट लेवल में आगे खींचो चेस्ट बाहर रखो। हेलो मैं वो आपके वाले फॉर्म पकड़ रहा हूँ ना, तो उसमें भी मेरे पैर बैलेंस नहीं हो रहे, मुझे ज़्यादा पैर आगे करके कर रही या फिर सीधा पैर आगे कर रही। मैं कर रहा हूँ ना तो लोड मुझे आगे भी खींच रहा पीछे आ जाएगा पर धीरे धीरे, लेकिन लोड अच्छा रहा। तो ये तीसरे इंक्लाइन बेंच प्रेस सेम इसके लिए चार सेट करेंगे, दो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होगी। चलेंगे हाँ जी भाई, रेस्ट नहीं ले रहे थे बिल्कुल भी, कोई आओ तो अपने रिस्क आना हटी पड़ी मेरी, और आओ तो जब ऑफ सीजन हो रेस्ट हो तब कभी दूर आना, क्योंकि उसमें रेस्ट ना मिले तो मेरी तकलीफ होती है। बस चलो अरे कटमा थोड़ा पसीना मिल जाए नितिन भाई का, बॉडी में चला जाए बॉडी में हमारी भी लो बॉडी बैंक नहीं हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तीन और दो एक और एक और एक और एक और एक और था मिस्टेक हो गया। ठीक ओके 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 बाय। चलो जो डॉक्टर ने हमारे पेट बात की ना रोड चलो रोड तो मैं 5-7 मिनट खा लेते रोड के चक्कर में। चलो चंद्रपाल उसमें तो 25-25 के ला यही गुस्सा मुंह पे क्वालिटी अच्छी है। कैसा मजा आ रहा है आपको इंडियन एथलीट के साथ? बहुत मजा आ रहा है। फर्क है एक नॉर्मल बंदे के साथ वर्कआउट करने में और एक प्रोफेशनल बंदे के साथ, बहुत फर्क है भाई। जब नॉर्मल कांड बड़ी बड़ी है एक तो एथलीट के साथ वर्कआउट, अब कोई 80 किलो 70 किलो का एथलीट हो देख भी जा रहा है, मॉन्स्टर के साथ वर्कआउट कर रहे हो। उन्होंने 9:30 बजे शुरू किया था टाइम टेबल, हैं 10:45 हो रहे हैं तीसरे और 30 सेक्शन खत्म हो गए, मतलब आधे घंटे में हो जाएगा पूरा चेस्ट वर्कआउट। तो वो तो अभी बात कर ले 3-4 मिनट। हां अभी ये कह रहे होते 15 मिनट तो गंदे झटका रहे होते यूं करके एक बार उसके बारे में चले चलो वो मारेंगे। अरे चलो हल्का
सामने जी है सीधा माइंड एथलीट की बात हो रही है हमारे बीच मिस्टर वर्ल्ड भी आ चुके हैं वर्कआउट कर रहे हैं भाई मैं तो लेके जा के पूरा एक साल सा है दिन भाई जो नवंबर जितने जाने चाहिए उतने चौड़े चूतो गुलाब आप कर लो बात हां जी मैं बोल रहा हूं कह रहे हो तारीफ कर रहा है अरे कहता है वो तो पता उसे है अब बोलने वाले आप तारीफ बोल रहे हैं अभी पर के अंदर वो अभी एक सोचते चल अभी आप जा रहे हो जरा कोई खंभा का कोई नहीं आएगा डंडा आएगा तुम्हारी अपनी चौथी एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस करेंगे चलो हाथ भरे पड़े चलो 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 भाई तो रहे भी ना खा रहे हम चलो स्टार्ट भी 35 से करते हैं चलो मैं तो मैं ना आने गई जिम थोड़ी में से आवाज आ रही काफी दिन तक चले नहीं है हाथ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वर्कआउट करना हो तो भाई टाइगर भाई है यहाँ जो टाइगर भाई यहाँ जो है ना यहाँ का जिम एक नंबर है चलो हाँ और टाइगर भाई की ट्रेनिंग एक नंबर है टाइगर भाई के जिम में तो नेटवर्क ही ना आते हैं तो नहीं ना वाईफाई को लिमिट कर दो लोगों के पास है हां लिमिट कर लोगों के पास है वाईफाई मैं तो दे दिया जाते मैंने टाइगर भाई वाईफाई दे दो गड़बड़ हो जाएगी चलो इतना हमें करवा दिया चलो 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 तो हाथ लगा रहा है चलो मेरे पर हेल्प पहले पांच मारना है दो ईमानदार चलो अच्छा स्वागत हो दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार एक बार चार हो गई हाँ चार हो गए चढ़ाओ प्लेट मैं ना हल्का मार दूँगा आप कितने भी लगे हल्का नीचे इसे नीचे कर लो क्या मशीन है इसे नीचे रखो नीचे रखो क्या हो गया फॉलो है वो ये बंद कैसे हुआ तुम्हारा ये सही है यार क्या सही है ये मशीन वैसे हेल्प ले लूँ मैं तो पहली बार भाई ये जगह किराए पे है अपनी है अपनी है पूरी बिल्डिंग फिर तो नोट कम ही कहाँ है तो मैं कह रहा नीचे शोरूम भी है सुजुकी बाइक का शोरूम आगे करो पूरा पूरी फेंको आगे पैर रखेंगे ना ऐसे मैं पैर से दे रहा हूँ चलो और बड़े बड़े हम लोग चला
तो भाई वो फाइनली अपना वर्कआउट हुआ खत्म, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। राजवीर भाई के साथ चेस्ट का वर्कआउट कर गए, 6 एक्सरसाइज हमने 25 से 30 मिनट कम्प्लीट, बट अभी एक्टिंग कर रहे हैं, बट पूरा साथ निभाया भाई ने, बहुत मजा आया। तो भाई कैसे लगा वर्कआउट करके? बहुत मजा आया भाई, मजाक छट के, मतलब हालत तो टाइट हुई है, रेस्ट नहीं करने दिया। मेन ये है कि मैं जैसे वर्कआउट हम करते हैं, आप करते हैं, तो वर्कआउट सेट्स के बीच में रेस्ट लेते हैं, लेकिन भाई मुझे आज पता लगा कि ये सेट्स के बीच में रेस्ट नहीं लेते। तो मेरा तो ऐसा होता है, अगर मुझे मुझे कहीं शादी में भी जाना होता है ना, तो कोई साथ होता भाई चलो चलो, मैंने कहा यार मैं एक्सचेंज करके आ रहा हूं, 1.5-2 घंटे लेगा रहा है, मैंने कहा इतना पानी गर्म होगा मैं आया बस। अच्छा करता शाम को कोई सीरीज चला लूंगा, उसे देखते देखते 25 मिनट हो गए, उतर गया खत्म। जिंदगी में सच्ची बता रहा हूँ सबकी कसम, सब मुझे इतना बोरिंग समझते कैसे आदमी को बताना, पता ना कहाँ से टाइम लाती है इतना, मैंने आज तक कोई सीरीज ही ना देखी आज के टाइम में, तुम्हारे तरीके माँ कसम, मैंने आज तक मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा फोन चेक कर लो, इसमें हॉट स्टार अमेज़न प्राइम जिन पे ना बस बढ़िया बढ़िया टाइम पास होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारी बर्गा मेरा चीज क्या हुआ, कभी कभी मना करता फुलने को फिर क्या कोई दिक्कत आ रही है फिर मैं भी आती है दिक्कत में, बड़ा स्विच ऑफ ही पड़ा था भैया, इसमें पड़ा प्राण निकल गए, कह रहे तो मुझे मारेंगे देख लो, मैं भाई देख लो इसके अंदर ना हॉट स्टार मिलेगा ना अमेज़न प्राइम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पढ़ा भी हो तो पढ़े मेरे अंदर सारा सब कुछ मिलेगा, देखो देखो सारी सीरीज सारी देख सारी देखो, ये हॉट स्टार है, ये बड़े भाई ने कर दिया था प्राइम वीडियो, नहीं नहीं देखो देखो डिज्नी हॉट स्टार देखो, इसमें ये मांगेगा, इसका मतलब ये है कि ये चलानी है ना कभी, क्या मांग रहा है ये नोटिफिकेशन फाइंड एंड कनेक्ट डिवाइस ऑन लोकल, मतलब मैंने कभी आज तक कसम ना देखा, मैं बढ़िया कार्डियो वीडियो करूंगा ना बढ़िया टाइम पास, तो अब आपके मुंह से निकलाना अल्लाह की मियां की कसम, अरे भैया अल्लाह मियां की कसम, इसकी बहन की जायदा मिल गया, क्योंकि अपना जो समझ जैसे जैसे आप बोल रहे हो सीरीज, तो मुझे मेरे दिमाग ने जल्दी पकड़ी है बात, ये तो अच्छा आईडिया, 25 से 30 मिनट देंगे अपना, उसमें कार्डियो भी हो गया और सीरीज का एक सीन पे, मैंने आज तक पीयूष भाई सीरीज भी देखी, लोग यकीन नहीं मानते, मुझे ये नहीं पता क्या क्या सीरीज के नाम कौन सी सीरीज है क्या है, और जब लोग ऐसे बोलते ना भाई वो वाली सीरीज मैंने यार पता नहीं क्या क्या देखते रहे कब देखते रहे खाने पे करेंगे अपनी कुछ प्यार भरी बातें, तो खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज में रहो, लव यू आप सभी को, ख्याल रखो, लव यू मेरे और लव यू मेरे, कैमरा बंद करने क्या लोगे।